इसमें बताओ कैसे फ्यूल एफिशिएंस ट्रैक्टर हो जाएगा, कितना एफिशिएंस ट्रैक्टर आप लियाओ, ऐसे कभी भी एवरेज नहीं दे पाएगा ट्रैक्टर। नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आपने वीडियोस में उल्टे सीधे काम करते बहुत देखे होंगे, ट्रैक्टर को उठा दिया, घेर दिया, या मतलब कि अजी फंसा दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। देखो, वो चीज़ें तो आपको अक्सर यूट्यूब पे मिल जाएंगी। देखो, सबसे मेन चीज़ है आपको दिखाते हैं एक्सपीरियंस के साथ वर्क और बड़े तरीके से काम भी करना किसे कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं फ़र्क ड्राइविंग में। ये भाई बैठे हैं, अच्छा ड्राइविंग तो इसी कर रहे हैं, ठीक है। फार्म ट्रैक 45 ये चल रहा है, ये फार्म ट्रैक 45 है, वैल्यू मैक्स के नाम से है, ये 45 पावर में है, और ये चैम्पियन है, ये ट्रैक्टर ये 39 पावर में है। लेकिन आप ड्राइविंग का फ़र्क देखिएगा, देखिए ये एक ट्रैक्टर आ रहा है शुरू से, वहाँ से पीछे से पहले गियर में दोनों ट्रैक्टर चल रहे हैं। अब चलाई देखिए, कितनी एक्सपीरियंस की बात देखिए, कितना इससे क्या होता है। देखो, जोर लगवाने से ही ट्रैक्टर काम देता है, कि हम ज़्यादा जोर लगवा रहे हैं या उसको भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो, तरीके से काम करना बहुत ही मायने रखता है, काम ज़्यादा खींचेगा, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया आएगी, और ट्रैक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा, टूट फूट नहीं होगी। तो देखो, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देख सकते हैं कि आपको जो ड्राइवर हैं, ये क्योंकि बहुत उम्र भी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ हैं 45-50 के आए के हैं। देखो, तजर्बे की बात होती है। देखो, वो ट्रैक्टर आ रहा है 45 पावर का, स्लिप भी काट रहा है और दब भी रहा है उस ट्रैक्टर के मुकाबले। देखो, कारण क्या है, कारण है एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था, आप इस ट्रैक्टर पर भी दूसरे ड्राइवर बैठे हुए थे, उनकी भी ड्राइविंग जो है बहुत अच्छी थी और बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग। देखो, ये ट्रैक्टर भाई ने रोक लिया, फसाले को एकदम से ढेर लगा दिया, तो उस चीज़ का फ़र्क देखो आप। अब आप वो देखना ट्रैक्टर को किस तरीके से आ रहा है। देखो आप, अब ट्रैक्टर की आवाज़ सुनना, ट्रैक्टर का काम देखना। वो नई लीक बना रहे हैं, इस बार नई लीक बना के लाए हैं। देखो आप, देखो कहीं स्लिप नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल कंट्रोल इतना बढ़िया कि ट्रैक्टर को भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितना ला रहा है। देखो, मिट्टी भी पूरी लाए, और मिट्टी छोड़ने का तरीका देखना आप। देखो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, देखो बिल्कुल ऐसी मिट्टी छोड़ी है, बिल्कुल बड़े तरीके से पीछे तक। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है यार। सबसे बात है कि ट्रैक्टर को समझना कि हमें कहाँ पर क्या करना है, बड़े आराम से। कोई इससे दो चीज़ें का बहुत मन नहीं करता ट्रैक्टर का, बेवजह स्लिप करवाते रहोगे, बेवजह लोड डालते रहोगे। मिट्टी उसने उतनी ही लानी है, अपनी मैंने जितनी उतनी क्षमता है, आप उतनी मिट्टी भर के उसको तरीके से बड़े प्यार से ले आओ। चाहे उस पर आप बेवजह के जोर लगवाते रहो, उस पर बेवजह उस पर जो है उसकी स्लिप निकलवाते रहो। देखो, ये कितनी स्लिप निकाल के निकला, इस चीज़ से मिट्टी उतनी ही आनी है, मिट्टी उतनी ही आएगी जितनी वो उसकी उसकी क्षमता है, उससे फालतू मिट्टी नहीं लाते। देखो, ये मिट्टी गिरने का तरीका बिल्कुल ढेर लग। इसमें बताओ कैसे फ्यूल एफिशिएंस ट्रैक्टर हो जाएगा, कितना एफिशिएंस ट्रैक्टर आप लियाओ, ऐसे कभी भी एवरेज नहीं दे पाएगा ट्रैक्टर, और ऐसे एप्लीमेंट्स टूटने का या ट्रैक्टर में कोई नुकसान का कितना खतरा रहता है। आप देखिए कितना फ़र्क इस चीज़ का, आप देख सकते हैं सामने एक जगह। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो किसान भाइयों, अपनी अपनी एप्लीमेंट अपने हाथ होता है, उसको कैसे चलाना है, उसको लॉन्ग लाइफ चलाना है या शॉर्ट लाइफ चलाना है। देखो, ये नहीं है कि हम छोटा गियर डाल के चल रहे फिर हैं, छोटा गियर बिल्कुल उसको अंडर हमारे ट्रैक्टर अंडर लोड चल रहा है और छोटा गियर डाल के घुमाते फिर रहे हैं और बंद के कि बेवजह का तेल पिला रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। जो गियर जिस काम में ज़रूरी है, जैसे आप उस गियर को लगाते हो, जैसे उस चीज़ को चलाते हो, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब यहाँ पर अगर दूसरा गियर लगा के चले इस ट्रैक्टर में यहीं पर, तो बेवजह का लोड मारने का मिट्टी उतनी आएगी टाइम, और क्या होगा, खामे खां का लोड मान के चलेगा ट्रैक्टर और तेल फूकेगा बेवजह का। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चौथा लोड लगा लेते हैं, तब भी मिट्टी उतनी आनी है, टाइम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो तेल ज़्यादा फूकेगा, तो वहाँ भी तेल फूकेगा। पहले गियर में ट्रैक्टर चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ओके ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो भाइयों, किसान लाइफ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें और अपना फॉलो सपोर्ट करते रहें भाई को, क्योंकि काफ़ी गर्मी में धूप में कहीं बाहर अंदर दूर जाना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। और जहाँ आपको सही वीडियो लगे तो भाई प्लीज़ कमेंट में बता दे करो कि कैसी वीडियो आपको लगी, कुछ सुझाव दे दिया करो,
ताकि भाई को पता लगता रहे कि आगे मुझे कैसे तरीके से वीडियो बनानी है, मेरी क्या कमियां हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बताते रहे करिए। तो धन्यवाद।